लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो। कातिल है वो, सर फिरा भी बहुत है आंटी, और बीमार भी बहुत रहता है वो। जिसने आपकी तस्वीरें मीडिया तक पहुंचाई, चैंक नाम था उस आदमी का। चैंक? मुझे अपने बेटे की खुशी बेहद अजीज है, घर का माहौल खराब ना हो जाए इसलिए मैं खामोश रहती हूँ। मुझे लगता है कि हमें मिलना चाहिए। जिस दिन तुम्हें देखा था उस दिन से इस दिन का इंतजार है। बताओ मुझे कब आना है, कहाँ आना और किस जगह आना। क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस किसी के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ आ गया, बोलो। चला मुराद सर, सबसे पहले मैंने सिंह कोच का नंबर लिया, उसके बाद। मुझे ये बताओ कहाँ है वो इस वक्त? वो फेनाबाचे में है। फेनाबाचे में एक बास्केटबॉल कोर्ट है, वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ। वैसे उसके गाड़ी की चाबी तो करीम। सब खैरियत तो है? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? हाँ दो मुझे। एक मिनट, क्या हो गया? मेरा जाती मामला है, अच्छा होगा तुम लोग दूर रहो इससे। ऐसे अकेले कैसे जा सकते हैं? क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हैं भाई? आखिर हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। आप स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मुराद साहब। हाँ मुझे भी नजर आ रहा है। आखिर क्या बात हुई है, किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे हैं? गुस्से में उठाया हुआ कदम गलत साबित होता है। हाँ सही कहा, नुकसान तो वो उठाने वाला है चैंक। चैंक किसकी बात कर रहे हैं भाई? दीदम की बर्थडे पार्टी पर जो हयात के आगे पीछे घूम रहा था वही चैंक। तो आपको उस मसले का पता चल ही गया? तुम किस मसले की बात कर रहे हो? हयात ने मुझे मना किया था बताने से, लेकिन लगता है अब सब कुछ बताना ही पड़ेगा। उस रात उस चैंक ने हयात के साथ बदतमीजी की थी। क्या? इसीलिए उस रात जल्दी चली गई वो, पूरे रास्ते रोती रही। किसी का मूड खराब हो इसीलिए उसने बताने से मना कर दिया मुझे। चैंक, भाई क्या कर रहे हैं, रुक जाएं। क्या मकसद था तुम्हारा? वो फोटोज अखबार में तुमने क्यों छपवाई? तुम छोड़ो मुझे। हाँ छोड़ दो इसे, दो चार लगेंगी तो फिर बताएगा। आराम से, वरना क्या कर लोगे? करीम एक मिनट आराम से रहो। तुम चाहते क्या थे तुम, और हयात के साथ बदतमीजी क्यों की? जो कुछ मैंने किया उसकी मर्जी से किया है, और वैसे भी उस जैसी लड़कियां यही सब करना चाहती हैं। खाओ असली। इतने इंतजार के बाद तो मुझे मिला ही है। तो यानी करीम का मसला हल हो गया है? हाँ फाइनली, अब हम रिलैक्स हैं। न जाने अब मेरे इस टूटे हुए दिल का क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। क्या होता अगर सब कुछ पहले की तरह होता? मुझे नौकरी मिल गई, अम्मी बाबा दोनों खुश हैं। पहली सैलरी मिलते ही मैंने उन दोनों को भिजवा दी। लेकिन ये मुराद मेरी जिंदगी में पता नहीं कहां से आ गया। क्यों मैं उसके बारे में सोचने लग गई? मेरी जिंदगी का सुकून छीन लिया है उस शख्स ने। मर्द तो होते ही ऐसे हैं, क्या भरोसा इनका। शुक्र करो तुम कि वो दीदम के पास वापस चला गया। मुझे नहीं लगता कि उस दीदम नामी औरत का उससे कोई ताल्लुक भी है, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे घबराहट हो रही है। कोई नर्स है यहाँ?
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये क्या हो गया? कैसे हुआ ये? अरे ये सारी बातें बाद में पूछ लेना, हुआ क्या है दिखाओ जरा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर बाकी लोगों की हालत नाजुक है। और कौन है? और लोग भी हैं साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा, यानी तुम लोगों ने उनको बहुत मारा है यही बताया ना? लेकिन तुम्हारी हालत तो कुछ और बता रही है। असली नाम है ना तुम्हारा? अगर हम लोग कम जख्मी लग रहे हैं तो ये समझ लो उनकी हालत बहुत बुरी है, शायद अब अंदाजा लगा सकती हो तुम। ओह, फिर तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। एपिक, मेरी नाक पर लगी है वरना मेरा मुंह ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी तुम अपना मुंह बंद रखो और अपना मुंह ऊपर रखो। क्या हालत बना रखी है अपनी लवर के सामने? क्या क्या कहा? मेरी लवर? तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? अपना मुंह ऊपर रखो। अच्छा मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब ठीक हो तुम? पहले ठीक नहीं था लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया हूं। अपना सारा गुस्सा निकाल दिया इसलिए? नहीं, सिर्फ वो बात नहीं है। मैं इस बात से भी खुश हूं कि चैंग तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। और अब बाकी जो बातें रह गई हैं वो हम बाद में भी कर सकते हैं। यानी कि दीदम के साथ जो पिक्चर्स आई थी मीडिया में, वो मसला हल हो गया है इसलिए भी खुश हैं? हाँ, वो भी बात है, वो बात भी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दीदम के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं? सही सोच रही हूं मैं? हमारा ताल्लुक था ही नहीं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, आपको क्यों खुशी हुई कि मेरा चैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? बस ऐसे ही, अच्छा हुआ ये। तुम्हारा हाथ ठंडा हो गया होगा, मैं पकड़ लेता हूँ इसे। कुछ नहीं होगा मेरे हाथ को जब तक वो आपके हाथ में है, परेशान ना हो। कोई स्पेशल बात नहीं की मैंने, मैं ये कह रही थी कि अगर मैं आपका हाथ पकड़ के रखूंगी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपकी बीवी तो हूं नहीं जिसके हाथों में हाथ डाल के क्या तुम मुझ पर प्रैक्टिस कर रही हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आपकी तबीयत बहुत खराब है और मैं आपकी असिस्टेंट भी हूँ और आपका ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। बहुत अच्छी ड्यूटी निभाती हो तुम। ठीक है, आपको मेरी जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे ऐसा कब कहा मैंने? वो वहां पर है। ध्रुव सर सलमास, मुराद सर सलमास और करीम कौन है? यहाँ पर आ जाइए। जी कहिए। क्या बात है? कंप्लेन हुई है आपकी। आपको तकलीफ पहुंचे ऐसा नहीं सोचा था।
ऐसी ही तकलीफ हो रही होगी। करीम को भी, बेचारा अभी तो उसके दिल में डायलॉग रह गए थे बाकी। ओफो, मुझे तो अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा है। मेरी जान, प्यार में हिम्मत है और हिम्मत में सब्र। हयात, तुम्हें देखकर मैं भी इमोशनल हो गई। उन लोगों की वजह से हम क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मेरी दोस्त, समझो इस बात को, यानी हयात का पूरा हक है कि वो मुराद के गम में उदास रहे, उसका इंतजार करे और उसको याद करे, और जब वो जेल से छूटकर बाहर आए तो फिर उसका फूलों से इस्तकबाल करे। उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई है, मुझे परेशान होना चाहिए इस बात से? हम दोनों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। मैं देख रही हूँ तुम्हें हयात, कि तुम्हें अपने बॉस मुराद साहब की कितनी फिक्र हो रही है। अपने आप पे तो नजर डाले एपिक मैडम। इश्क ने क्या हाल कर दिया। क्या नजर डालूं? हाँ, क्या? हाँ, थोड़ी फिक्र मुझे भी हो रही है, वैसे ही जैसे तुम लोगों को हो रही है। अच्छा, मुझे समझ आ गई, इन सारी बातों को छोड़ दो। छोड़ो, अब ये बताओ, क्या हम यहीं खड़े मुंह तकते रहेंगे? क्या उनकी मदद के लिए कुछ नहीं करेंगे हम? ऐसे खामोश नहीं बैठ सकती मैं। जहाँ मेरे बॉस होंगे वहीं उनकी असिस्टेंट होगी, जहाँ वो वहाँ असिस्टेंट, जहाँ मुराद वहाँ पर मैं। चलो मेरी दोस्तों, मेरे साथ चलो प्लीज। हुआ क्या है आखिर, किस लिए वो लॉकअप में है? या अल्लाह, शिकायत किसने की है? कौन सा पुलिस स्टेशन बताया? बहुत शुक्रिया चाला, तुमने बताया। नहीं नहीं, किसी से बात मत करना, अब मैं खुद देख लूंगा ये सब। क्या हो गया निजात? हमारे बच्चों को पुलिस ने पकड़ रखा है। दुरुग को पकड़ लिया? जी हाँ, और करीम भी है। लेकिन उन्होंने किया क्या है? लड़ाई की है बहादुरों ने। लेकिन किससे लड़ाई की है, हुआ क्या है, कुछ बताएं तो। मुझे नहीं मालूम। इतनी रात को क्यों शोर कर रहे हो, सब खैरियत है ना? जी नहीं, कोई खैरियत नहीं है अम्मी। हुआ क्या है? मुराद और दुरुग की लड़ाई हुई है और पुलिस पकड़ के ले गई उन्हें। आखिर पकड़ ही लाई पुलिस तुम सबको, तुम सबको उसका हिसाब देना होगा जो मेरे साथ किया। रुक जाओ करीम, यहाँ जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं। आप लोग देख रहे हैं, सबके सामने मुझे धमकी दे रहा है। जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर और बोला तो बेटा तेरे 32 दांत तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगा, ये धमकी दे रहा हूँ। बस बहुत हो गया, हौसले से रहिए, समझ नहीं आता आपको? चलो अपना आईडी कार्ड दे दे मुझे रिकॉर्ड के लिए। मुराद सरसलमास, सार्टे कंपनी वाले? जी हाँ। हैरत है, आपकी कंपनी की किसी शख्स की कोई शिकायत हो तो उससे पहले उसका वकील आ जाता है। हाँ, मगर वकील की जरूरत इस वक्त उन लोगों को है इंस्पेक्टर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे और मेरी फैमिली को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने कुछ फोटोज लीक किए हैं, मेरे पास प्रूफ भी है। माफ कीजिएगा, मगर उन लोगों ने हमारी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी की कोशिश की है। खैर, तफ्तीश तो हम लोग कर ही लेंगे, फिलहाल आप लोग की आईडी में एंट्री कर दूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुराद और दुरुग को लड़ने की क्या जरूरत थी, अब क्या होगा उनके साथ? ये तो उन्हें लड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या होगा उनके साथ। हो सकता है उनका कोई कसूर ना हो, हम कैसे फैसला कर सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या फर्क पड़ता है अम्मी, हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिला दी ना उन्होंने। कॉल भी नहीं उठा रहा दुरुग। वो फोन नहीं उठा पाएंगे, उनके फोन पुलिस ने ले लिए होंगे अब तक। अब क्या किया जाए? क्या आप यहाँ बैठे रहेंगे? जल्दी किसी को फोन कीजिए, किसी लॉयर से बात करें, वो जाके छुड़वाए उन्हें। किस लिए फोन करूं मैं? आज की रात थाने में गुजारेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। समझ नहीं आता किस किस्म के बाप हैं आप निजात, वहाँ आपके बच्चे परेशानी में हैं और आप यहाँ सुकून से बैठे हैं। इससे तुम्हारा क्या मतलब है बेटी, क्या कहना चाहती हो तुम आखिर? उन्होंने गलत किया है मैडम दरिया, अब उन्हें छुड़वा के कोई इनाम नहीं दे सकता मैं। चले ठीक है, बैठे रहें यहीं, मैं खुद जाती हूँ उन्हें छुड़ाने के लिए। दरिया, अगर तुमने इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला तो वापस पलटने का सोचना भी मत। आपका इनकी फैमिली से क्या ताल्लुक है? मैं मुराद साहब का ड्राइवर हूं, लेकिन हम फौज में एक साथ भी रहे तो दोस्तों की तरह रहे, और ये मेरे दोस्त ही नहीं भाई भी हैं। ड्राइवर का बता दिया, काफी है। इतना कुछ बहुत है आपके लिए, या और भी लिखने के लिए बताऊं? कहें तो दादा परदादा सबके नाम लिखवा दें यहाँ पर। ये मजाक की जगह नहीं है, अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो हम जा सकते हैं। बस मैंने रिपोर्ट बना दी है, आप उस पर साइन कर दें, फिर आप जा सकते हैं। आओ मेरे साथ।
कहाँ है ये? रुको, कहाँ है ये? कहाँ जा रही? नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। रुको, मेरी बात सुनो। इसको अंदर करें, असल कसूरवार ये है। मुराद सर बेकसूर है, बेशरम। क्या कह रही हो तुम? शोर मत करो, ये पुलिस स्टेशन है। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो ऑफिसर। सर मुराद बहुत अच्छे इंसान है, वो अपने एम्प्लॉइज को अपना फैमिली मेंबर ही समझते हैं, इसलिए उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन ये घटिया इंसान, इसमें तो जरा सी भी शर्म नहीं है, इसकी तो नाक तोड़ देनी चाहिए। पागल, जाहिल, बदतमीज। लो भाई, हमारे वकील तो पहले से ही आ गए हमारी वकालत करने के लिए। ज्यादा खुश मत हो तुम दोनों, हमारे इन वकीलों की वजह से हमें पूरी रात जेल में भी गुजारनी पड़ सकती है। और इस वक्त हमारे हाथ में रिपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड पे इस आदमी ने जानलेवा हमला किया। मुझे इसने अपना बॉयफ्रेंड कहा, मैं खुशी से मर ही ना जाऊं कहीं। पुलिस स्टेशन है इसलिए मैं चुप बैठी हूँ, वरना तुम लोगों का मुंह तोड़ के मैं अलग कर देती। जाहिल, आप लोगों को तो रिपोर्ट्स देखने की भी जरूरत नहीं, बस उसका चेहरा देख लीजिए। मेरे करीम का, मेरा करीम, उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, मार मार के फिटे मुंह कर दिया उसका। एपिक, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम सबके सामने? हाँ बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो तुम यहाँ पर, टांग मत अड़ाओ बीच में। ऑफिसर सुनिए, इस आदमी की शक्ल पर बिल्कुल नहीं जाइएगा, ये जितना मासूम दिखता है उतना ही शैतान है। ये मुझे एक सुनसान जगह ले गया और वहाँ ले जाकर ये मेरा एडवांटेज उठाना चाहता था, बेशरम कहीं का। इस शैतान के खिलाफ मैं कंप्लेन करवाती हूँ, इसे अंदर करें। ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ कोशिश तो की थी और उसके नतीजे में थप्पड़ खाना पड़ गया। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। हटो पीछे, क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं मुराद सर के असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ। और तुम? मैं करीम साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। इनमें से कौन है? उसका चेहरा बिगड़ गया है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा वो। अब तुम कैसे कहोगी? क्या ये लड़ाई इन लड़कियों की वजह से हुई है? नो सर। समझ गया, इन दोनों को बाहर भेजो और इन सबको अंदर ले जाओ। सुबह तक इनको लॉकअप में बंद कर दो, हो सकता है इनको अकल आ जाए। एपिक, एपिक, सब लिख लेना याद से। चलो लड़कियों, यहाँ से जाओ, यहाँ पर नजर नहीं आना। रिपोर्ट कहाँ पर जमा करवाएं? यार आज का दिन तो किसी फिल्म का सीन की तरह गुजरा है, लव ड्रामा एक्शन। अब हमारा अगला कदम क्या होगा दोस्तों? हमारा अगला कदम ये है कि घर जाके सो जाना है और सुबह का इंतजार करना है बस। जो भी हुआ है अपने दोस्तों को जाकर समझा दो अच्छे से। तुम्हें पता है कि वो तीनों के तीनों लॉकअप में हैं इस वक्त, और वो भी हमारी वजह से। एक काम करते हैं, हम कोई जुर्म करके उनके पास पहुंच जाते हैं। असली वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। सुनो, इसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है हयात, रात हो गई है, घर जाओ इस वक्त। देखो जो होना था हो चुका, इसमें तुम लोगों का क्या कसूर है यार? यार तुम क्या कह रही हो, इतनी देर से हम लोग सिर्फ बातें ही किए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही करें क्या हम लोग। वैसे आईपैक बहुत तेज है, देख लो गुजारा हो जाएगा तुम्हारा। क्या कह रही थी? मेरे बॉयफ्रेंड की शक्ल बिगाड़ दी है। असल शिकायत तो मुझे अपनी किस्मत से है। वैसे हयात की परफॉर्मेंस की भी दाद देनी होगी भाई, कैसे पुलिस वालों के सामने लड़ रही थी हमारे लिए। हाँ वो असिस्टेंट होने की जिम्मेदारी कहीं नहीं छोड़ती भाई। इस जगह पर असिस्टेंट का क्या काम, लड़की बहादुर है। एक बात है, दोनों बहुत समझदार लड़कियां हैं, चैन को तो मार मार के भुरकस निकाल देती। और अगर वो यहाँ नहीं आती तो इस वक्त हम लोग जेल के अंदर नहीं होते। हाँ ये तो है। वैसे एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई, हयात के मामले तक तो ठीक है, लेकिन आपकी और दीदम की तस्वीरें मीडिया पर क्यों दी उसने? नहीं नहीं, इसे नहीं, दीदम को फायदा पहुंचा है। आप खुद सोचिए, दीदम के अलावा और कौन है? उससे मेरी बात हो चुकी है, उसका हाथ नहीं है इसमें। उसकी फैमिली भी बहुत परेशान हुई है इन सब बातों से। क्या बात कर रहे हैं भाई, जरा ये तो सोचिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। भाई आप दीदम को जानते नहीं है, अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है, उसे पता है कि किस तरह निपटा जाता है इन मामलों से। Thank you.
औरत बहुत गुस्सा दिला रही है मुझे अब। तुम अल क्या हो गया? मैं कब से दरवाजे पे खड़ी हुई थी और तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? देखा नहीं मैंने। तुम तो वाकई कॉल कर रही थी मुझे। रुको एक मिनट। हेलो यार दीदम, मैंने अभी तुम्हारी कॉल देखी है लेकिन मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, अभी मिल नहीं सकती। हम कल मिलते हैं, ओके? बाय। कोई बहाने नहीं चलेंगे, मुझे 3 अच्छे से सूट डिजाइन करवाने हैं। पहला शादी का, दूसरा वलीमे का और तीसरा पार्टी का। बाकी हम मिलकर डिसाइड करेंगे। यानी सारे काम छोड़कर मैं ये काम शुरू कर दूं? गुड यार, अभी से डिजाइन करना शुरू करेंगे तो जाके टाइम पे पूरे होंगे ना ड्रेस। साटे की बहू बनने जा रही हूँ, मुझे स्पेशल दिखना होगा। वैसे इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब तुम्हें रोज रात को आते कैसे? गलत फहमी होना अच्छी बात है लेकिन इतनी ज्यादा? अपनी होने वाली सास से मिली हूँ मैं, उनके साथ चाय पी, उन्होंने मुझे चाय पे इनवाइट किया और बहुत अच्छा वक्त गुजारा उनके साथ। अब तुम ये सोच लो कि आगे से तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा, कंपनी में पार्टनर भी हो जाऊंगी मैं, तो सोच लो फिर। क्या कर रहे हो तुम लोग? ऑफिसर, आराम से मेरे यार, हम बात करने आए हैं। तुम जैसे इंसान को वैसे ये सूट नहीं करता। देखो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे इतना बताओ कि ये सब तुम्हें किसने कहा करने को, फिर तुम जा सकते हो। होगी मुराद सर तो इस वक्त ऑफिस में हैं और वो बहुत मसरूफ हैं किसी मीटिंग में अपने रूम में। जी सर, ठीक है, खुदाफिज़। खुदाफिज़। सार्टे कंपनी जी, बोलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुराद सर तो अपने रूम में हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं, आप इन पे यकीन मत कीजिए सर। अच्छा एक बात तो बताएं, अगर वो पुलिस स्टेशन जाएंगे भी तो इसमें आप लोगों को क्या है? उनकी मर्जी है, वो जो करें। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कुछ भी कर सकता है। वैसे मुराद सर इस वक्त अपने रूम में है और मीटिंग कर रहे हैं। ओके बाय। बहुत अच्छे हयात, बहुत ही अच्छे। मालूम है जासर ने क्या कहा है? ये बात ऑफिस के अंदर किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, ना कि खुद परेशान हो। क्या करूं मैं, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मालूम है रात भर नहीं सोई। टूल, यूनिकोलो ऑफिस आ चुकी है। टूल, बाहर मीडिया जो बात कह रहा है वो सच है क्या? मुझे क्या मालूम क्या सच है और क्या झूठ, वो मुझसे मिलने नहीं आए इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या कह रहे हैं वो। चैंक और मुराद का कल रात झगड़ा हुआ है, मुझे चैंक के दोस्त ने बताया है लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मगर तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो, कहीं इस बात से तुम्हारा तो कोई ताल्लुक नहीं? कॉफी कहाँ है मेरी? दीदम, आज के बाद तुम मुझे इस ऑफिस में नजर ना आओ, समझ गई? तुमने जो कुछ भी किया मुझे मालूम है, आज के बाद तुम्हारा मुझसे और मेरी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, जा सकती हो तुम। मगर मेरा
मेरा एग्रीमेंट, मेरा एग्रीमेंट ये रहा, ये लो रखो इसे संभाल के, ठीक है? तुम्हारी रकम तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अभी और इसी वक्त इस ऑफिस से दफा हो जा, समझ गई? तुमने कुछ किया? अभी तक तो कुछ नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम मीडिया की नजरों से बचे हुए हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, हमारे बच्चे इस तरह के तो नहीं थे। सब आपके सामने है। वकील का फोन है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो काम हो गया है हमारा? चले, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? सुबह बच्चों को छोड़ दिया उन्होंने। ओ, शुक्र है अल्लाह का। उन्हें फोन करके बुला लेते हैं, हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगी, अभी बहुत गुस्से में हूँ मैं। ओ। ये लो पानी पी लो। क्या कहूँ तुम्हें? मिस टूअल, मिस कैनन आपको बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। तुम जरा देख लेना इसको, ठीक है? अब कैसी हो तुम? क्यों, किस लिए पूछ रही हो? क्योंकि मुझे फिक्र हो रही है। मुझे नहीं बल्कि सबको तुम्हारी फिक्र है। मगर जो कुछ भी तुमने किया वो अच्छा नहीं था दीदम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत करना, अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारी मासूमियत को। मगर फिक्र मत करो, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है सब मालूम है मुझे। बच्चों को छोड़ दिया है पुलिस ने। जानती हूँ, द्रोग से बात हो गई है। अब क्या है, तुम्हें सारा दिन बिस्तर में ही रहना है? मुराद की वजह से ही पकड़े गए थे। कौन पकड़े गए? द्रोग और करीम। गलती करे आपका बेटा मुराद और सजा मिले मेरे बेटे द्रोग को। सामने आता है तो ऐसा जाहिर करता है जैसे उस जैसा अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी निजात। मेरे बेटे ने सारी रात जेल में गुजारी है सिर्फ मुराद की वजह से। सुनो, मेरा भी बेटा है वो। मुझे नहीं लगता कि आप दुरूक को अपना बेटा समझते हैं। दरिया! क्या? आप क्या मुझे फिर से धमकी देंगे? मुझे अब आपकी धमकियों की कोई परवाह नहीं है। मुराद ऐसा क्यों है जानती हूँ मैं। आपने ढील दे रखी है उसे, इसलिए वो ऐसा है। लेकिन अब किसी हाल में हार नहीं मानूंगी, सुन लीजिए। Come in. इसकी वजह जान सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल। तो बताओ। क्या बताऊं? जो कहने आई हो वो कहो। वो ही बोलने की हिम्मत कर रही हूं। मुझे मालूम है कि कल रात आपकी बहुत बुरी गुजरी है और सुबह आते ही दीदम वाला मामला हो गया। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कल रात से कुछ खाया नहीं है। जब आप खाते नहीं हैं और स्ट्रेस लेते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है, इसलिए मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ ठीक किया तुमने, भूख तो लग रही है मुझे। वैसे आपके लिए काफी नहीं होगा ना? हाँ ये काफी नहीं है और मुझे तुमसे कुछ बात। तो अब मैं क्या करूं? अच्छा बस करो, कितना बोलती हो, किसी और की भी सुन लेते हैं। जी कहिए आप। हाँ तो हम दोनों एक साथ बाहर लंच करने जा रहे हैं। चलो।
मुराद ने तो 2 मिनट नहीं लगाए और उसे बाहर निकाल दिया ऑफिस से। वैसे मुराद का गुस्सा बहुत खतरनाक है, आज पहली बार देखा मैंने। यूं लगा जैसे कोई तूफान आ गया है। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दीदम ने भी हद कर दी थी। सब सोच समझ कर प्लानिंग से किया उसने। सच कहूं, मैं भी उस लड़की को कभी समझ नहीं पाई। जैसी वो नजर आती थी वैसी वो थी नहीं। सही कहा, सामने मीठी बन जाती है और पीठ पीछे जहरीली नागिन जिससे कोई नहीं बच सकता। बहुत ही खतरनाक लड़की है। हाँ, वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इन मामलों में बहुत तेज है। खैर, वैसे भी कोई बात नहीं है, सभी का होता है। मगर दूसरों की तरह मैं अपने अंदर चलाकियां नहीं भर के रखती। यार टुवल, तुम अंदर से भी साफ हो और बाहर से भी। हाय, प्लीज, जब मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बताओ क्या लगता है तुम्हें, कितनी अच्छी हूँ मैं? अच्छी, बहुत अच्छी। बताते रहो बताते रहो, एक ही हूँ ना मैं यहाँ। तुम हो सबकी जान, इस ऑफिस की, हर किसी की। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बिल्कुल, और मेरे जैसा कोई आएगा भी नहीं। बहुत भूख लगी थी ना आपको? हाँ वाकई बहुत भूख लगी थी मुझे। वैसे आज डरा दिया था आपने मुझे बहुत। डर गई थी या नहीं? मैं सोच रही थी कि इतना सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं। मामला ही ऐसा था, ऐसे में कोई भी होता तो यही करता। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे मैंने इतना नहीं सोचा था। किस बारे में? दीदम को जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो ये डिजर्व करती थी। अभी तो मेरा गुस्सा कम था, वरना कुछ ज्यादा भी हो सकता था। ऐसे क्यों कह रहे हैं? दीदम हद से आगे बढ़ चुकी थी, अगर उसे अभी नहीं रोकते तो देर हो जाती शायद। क्या किया है उसने? चैंक और वो मिले हुए थे, उसी ने उसे कहा था वो सारी पिक्चर्स लेने के लिए। और फिर क्या? चैंक ने ये सब कुछ उसके कहने पे, यानी दीदम ने सब कुछ करवाया था? टेंशन मत लो, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। दीदम को आपने मेरी वजह से निकाल दिया? नहीं, झूठ बोलने की वजह से। दिन क्या तुम लोगों के साथ ना रही? तुम लोगों ने तो हर बात से बेखबर रखा मुझे। क्या वाकई से प्यार हो गया है? कुछ ऐसा ही है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब आपको किसी से प्यार हो तो पता नहीं चलता उसका। हाँ बिल्कुल सही कहा यार। याद है जब पहली बार उससे मिली थी तो आकर कैसी बुराइयां कर रही थी हमारे सामने? हंसी आ रही है मुझे, क्या क्या नहीं कहा उसने। बिल्कुल अच्छी तरह से याद है मुझे सब। बार बार मुलाकात हो जाती थी और अब इश्क हो गया। एपिक मैडम इस पे साइन कर दीजिए। शुक्रिया। क्या मैं आ सकता हूँ? बाबा कैसे हैं आप, कितने दिनों बाद मिले। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं असली एपिक के दोस्त, कैसे हैं आप? मिलकर खुशी हुई। हाँ हाँ मुझे भी हुई। आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। बताएं क्या पियेंगे, चाय, कॉफी, लस्सी या जूस? जो भी चाहिए बता दीजिए, फौरन आ जाएगा। कॉफी ठीक है। असली? हाँ ठीक है, मेरे लिए भी कॉफी कह दो। नूरजान हमारे लिए तो कॉफी भेज दो। चैंग की वजह से अपसेट तो नहीं हो रही तुम? मैं उसकी वजह से क्यों अपसेट होंगी, मेरा उससे क्या ताल्लुक? पहली बात कुछ समझदारी की बात की है तुमने। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है समझी, वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी। किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? ये बात उसी रात बता सकती थी तुम मुझे। एक बात कहूं मैं आपसे, जब मैं झील के पास से लौटी थी तब मैं सीधा आप ही के पास आ रही थी।
तो क्यों नहीं आई फिर? क्योंकि आप किसी का हाथ पकड़कर जा रहे थे। दीदम को आप अपने साथ ले गए थे। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ, मैं उसका हाथ पकड़ कर लेकर गया था, लेकिन मैं सिर्फ उससे कुछ बात करने के लिए गया था और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं सफाई नहीं दे रहा तुम्हें, बस ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई तुम्हारे मेरे दरमियान, इसे क्लियर करना जरूरी था ताकि मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी ये सब दीदम के प्लान का हिस्सा था, आपको अपने साथ लेकर जाना इस तरह? हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर बाद ही मैं वापस आ गया था, लेकिन तब तक तुम द्रुक के साथ जा चुकी थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ऑफिस आपको कैसा लगा बताइए बाबा। हाँ अच्छा है। अंकल आपको तो अपनी बेटी पर बहुत फख्र होगा ना कि उसने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली है। यकीन जानिए इसकी कंपनी रैंकिंग बहुत तेजी से आगे जा रही है। हाँ ठीक है, वैसे इतने लोग नहीं है यहाँ। बाबा मैं हूँ ना। तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ सच में। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट। ये बहुत मशहूर कॉलेज है, मेरा बेटा यहाँ पढ़ना चाहता है। मैं जानता हूँ, बहुत जहीन है मेरा बेटा। माशाल्लाह। बिल्कुल मुझ पर गया है। देखो भाई, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। आईपैक बेटा, तुम्हें अपनी गाड़ी बेचनी होगी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। किस लिए? कुछ हुआ है क्या? अभी तो इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी पूरी नहीं हुई। वैसे क्या पैसे भाई के लिए चाहिए? अल्लाह रहम करे। तुम तो जानती ही हो, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत पैसे लगते हैं। उसकी मदद मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? और जब वो इंजीनियर बन जाएगा तो इसमें हमारा ही फायदा है। बस जल्दी से तुम अब गाड़ी भेज दो ताकि तुम्हारे भाई का एडमिशन हो सके, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। अच्छा, इसलिए आए थे आप मेरे पास? हाँ बिल्कुल, इसीलिए आया था। मैं भी कहूँ आखिर, बाबा को मेरी याद कैसे आ गई? अपने बेटे के लिए आए हैं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वो तुम्हारा भी तो भाई है। शायद आप एक बात भूल रहे हैं बाबा, मैं भी आप ही की बेटी हूं। जब से जॉब शुरू की है आपके कर्जे ही तो उतार रही हूं, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो मेरे जिम्मे है, स्कूल से कॉलेज तक पढ़वाया तो है मैंने उसको। बहुत दुख होता है कि आज तक मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई। कैसी बातें कर रही हो तुम आईपैक? जरा सोचो, जब वो इंजीनियर बन जाएगा तो कितना फायदा होगा हम लोगों को। हर हालत में ये करना है हमें। मुझे मालूम है वो एक दिन जरूर इंजीनियर बनेगा, मैं पढ़ाती रहूंगी उसे। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। ठीक है, मसला सॉल्व हो गया। तुम बस एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके इस गाड़ी को बेच दो, ठीक है? अच्छा असली बेटा, इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। यार लफ्जों में कहा। बाबा दरवाजा खोलते ही शुरू हो जाएंगे, लड़ाइयाँ करते फिर रहे हो, सारी रात जेल में थे। अरे हो क्या गया तुम्हें यार, वो हमारे बाबा जान हैं। आज के बाद अगर तुम दोनों सही भी हो गए तो फिर भी किसी से नहीं लड़ोगे। आज आपका बिहेवियर इतना अच्छा क्यों? अच्छा बन रहा हूँ, मदद करोगी? अच्छा जी, जरूर करूँगी अगर चाहते हैं आप। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है, पहले कभी तुमसे मुलाकात नहीं हुई इसलिए मैंने पहचाना नहीं तुम्हें।